दोस्तों चंडीगढ़ में रिक्रूटमेंट आई है 12वीं और बीए पास कैंडिडेट्स के लिए, तो आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करें क्योंकि इसकी जो अंतिम तिथि है काफी नजदीक है। तो बिल्कुल हम डिटेल से बात कर लेते हैं इस वीडियो में, कैसे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कितने पद हैं, किस कैटेगरी के कितने हैं, क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड है, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, एज लिमिट क्या है, फीस क्या लगेगी और कहाँ जाके आपको अप्लाई करना है। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो ठीक है दोस्तों, बिल्कुल डिटेल से इसके बारे में बात करें उससे पहले एक बात और, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ रिक्रूटमेंट की जो भी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कराते हैं वो सभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही होती हैं। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। देखिए esic.nic.in का रिक्रूटमेंट वाला जो सेक्शन है वो ओपन किया है हमने, और यहाँ ESIC हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, तो यहाँ की तरफ से लगभग हर एक राज्य में ये वैकेंसियां निकली हुई हैं, गोवा में भी हैं, गुजरात में भी हैं। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की ये कैंसिल हो चुकी हैं, एक ओरिजेंडम आ गया था ये रद्द हो चुकी हैं, हिमाचल प्रदेश में भी हैं, जम्मू कश्मीर में भी, झारखंड में भी, कर्नाटक में भी, केरला में भी, मध्य प्रदेश में भी, तो लगभग हर एक जगह है। इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे पंजाब रीजन की वैकेंसियां जो चंडीगढ़ में निकली हैं उनके बारे में। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन रीजनल ऑफिस सेक्टर 19 मध्य मार्ग चंडीगढ़ की तरफ से जारी किया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट, या दो ऑफिशियल वेबसाइट है, esic.nic.in जहां मैं आपको लिंक दिखा चुका हूँ जहां से आपको अप्लाई करना है, और दूसरी है esicpunjab.org। रिक्रूटमेंट ऑफ स्टेनोग्राफर एंड यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क और स्टेनोग्राफर की रिक्रूटमेंट है पंजाब रीजन के लिए ESI कॉर्पोरेशन में। अब देखते हैं डिटेल ऑफ वैकेंसी। स्टेनोग्राफर की 3 पोस्ट हैं, अपर डिवीजन क्लर्क की कुल पोस्ट है 80, जिसमें शामिल है 32 अनरिजर्व, 26 SC, 0 ST, 15 OBC और 7 EWS की वैकेंसियां हैं, और इसमें PWDs के लिए भी हैं, एक VH के लिए, एक HH के लिए है, और 2 वैकेंसियां हैं कैटेगरी सी की, एक OH और एक CP के लिए, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 7 पोस्ट इसमें निर्धारित की गई हैं। जहां तक बात आती है कैटेगरी के, कैटेगरी आप यहां से देख लीजिएगा, कैटेगरी A, B, C, D और E जो लिखा हुआ है इसका मतलब है ये, यहां आप देख सकते हैं। इसके बाद है स्केल ऑफ पे, क्या सैलरी है, स्टेनो एंड यूडीसी रिवाइज्ड पे एज पर 7th सेंट्रल पे कमीशन फॉर द पोस्ट इज लेवल 4 इन पे मैट्रिक्स। एंट्री पे है 25,500, रिप्लेस्ड अगेंस्ट पे बैंड 5200 से 20,200 के पे बैंड में है, और ग्रेड पे है 2400। और इन एडिशन टू पे दे विल आल्सो बी एलिजिबल फॉर DA एंड HRA एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस एंड अदर अलाउंसेस। देखते हैं इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन। जहां तक बात है स्टेनोग्राफर की, स्टेनोग्राफर के लिए रिक्वायर्ड है हायर सेकेंडरी पास, पास इन 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 12th पास अप्लाई कर सकते हैं, उसके साथ साथ में स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट इन स्टेनोग्राफर इन हिंदी और इंग्लिश, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग यूज ऑफ ऑफिस सूट्स एंड डाटाबेस, वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। उसके बाद बारी आती है यूडीसी की, अपर डिवीजन क्लर्क की, इसके लिए डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट एक डिग्री चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग यूज ऑफ ऑफिस सूट्स एंड डाटाबेस। तो दोस्तों, अगर जो लास्ट डेट है इसके अप्लाई करने की, तब तक अगर आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं है तो आप अप्लाई न करें। सिटीजन, कोई भी इंडियन सिटीजन इनके लिए अप्लाई कर सकता है। इसके बाद है एज लिमिट, एज है 18 से 27 साल, 15/4/2019 का आपकी होनी चाहिए, और 15/4/2019 ही अप्लाई करने की अंतिम तिथि है, आज 11 तारीख हो चुकी है, जितना जल्दी हो उतना जल्दी आप अप्लाई कर लीजिए। आयु में छूट मिलेगी SC ST के लिए 5 साल की, OBC के लिए 3 साल की, फिजिकली हैंडीकैप्ड अनरिजर्व 10 साल, OBC 13 और SC ST 15, एक्स सर्विसमैन के लिए अनरिजर्व 3, OBC 6, SC ST 8, तो यहाँ आप देख सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है, esic.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे रिक्रूटमेंट के सेक्शन पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बारी आती है एप्लीकेशन फीस की। एप्लीकेशन फीस जो है SC ST PWD डिपार्टमेंटल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन के लिए फीस है 250 रुपए, और ये फीस 250 रुपए भी आपकी वापस कर दी जाएगी जैसे ही आप फेस 1 का रिटर्न एग्जाम होगा वो अपीयर करेंगे, और बाकी अदर कैटेगरीज के लिए फीस है इसमें 500 रुपए। ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है, मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये लिंक है, क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ UDC एंड स्टेनोग्राफर एंड इन
ESIC इस लिंक पे क्लिक करके आप कर सकते हैं इन पदों के लिए अप्लाई। तो ठीक है दोस्तों, यही थी इन्फॉर्मेशन इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई जो आप तक पहुंचानी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। बाकी किसी प्रकार की जानकारी चैनल के माध्यम से हम आपको लगातार प्रोवाइड कराते रहते हैं, वो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही। तो उन सबके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। आज और अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।